नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज का यह वीडियो नौकरी की तलाश कर रहे प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है पशुपालन विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिसर नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए तकरीबन 2000 प्लस पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषताएँ रहने वाली है कि यह भर्ती आप सभी के लिए ऑल इंडिया की देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मात्र 10वीं पास मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप सभी बिना किसी परीक्षा के एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इस भर्ती हेतु अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम इस वीडियो से संबंधित एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम अब आप सभी भारतीय पशुपालन विभाग की तरफ से जारी की गई इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें आप सभी की भर्ती पशुपालक स्वावलंबन योजना के अंतर्गत की जा रही है, जो कि दोस्तों है आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, केवल इंटरव्यू के आधार पर आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपके लिए विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों सबसे पहला पद आप सभी का लघु उद्यम विस्तार अधिकारी का रहने वाला है, जिसमें आप सभी के लिए 562 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों दूसरा पद आप सभी के लिए लघु उद्यम विकास सहायक का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी आप सभी के लिए 1686 पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से 2240 पदों पर रिलीज किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए सहायक और अधिकारी के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों यदि आप सभी इन पदों पर सिलेक्ट होंगे तो आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। यदि आप सभी विकास सहायक के पदों पर सिलेक्ट होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 30,500 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप सभी विस्तार अधिकारी के पदों पर सिलेक्ट होंगे तो आपके लिए पर मंथ 40,000 रुपये तक का वेतन मिलने वाला है, जो कि दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी खासी प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप सभी भी एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी केवल 10वीं पास पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए इन पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यहाँ पर बताया गया है, यदि आप सभी एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी एक से अधिक पदों के लिए भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बता दें, 2 साल का कार्यकाल पूर्व होने के पश्चात आपके लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास भत्ता भी इस नौकरी के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी भारतीय पशुपालन.com इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आप सभी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से कक्षा 10वीं को पास किया हुआ है तो आप सभी विकास सहायक के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने किसी भी डिग्री, किसी भी विषय यानी कि BA, BSc, BCom से भी यदि आपने ग्रेजुएशन को पास किया हुआ है तो आप सभी विस्तार अधिकारी के पदों पर भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अन्य योग्यताएं मांगी गई हैं, यानी कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए और आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, लघु उद्यम विकास सहायक के लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 40 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं दोस्तों यदि आप सभी विस्तार अधिकारी के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 45 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर नीचे अंतिम तिथि की जानकारी भी प्रोवाइड कराई गई है,
जो कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं। यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी 25 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, अप्लाई करने के लिए आपके लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा, जिसकी जानकारी आप सभी कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, सभी वर्गों के लिए आपका आवेदन शुल्क समान रहने वाला है। यदि आप सभी विकास सहायक के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए ₹826 आवेदन शुल्क लगने वाला है। वहीं दोस्तों इसके अलावा यदि आप विस्तार अधिकारी के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए ₹944 आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन पदों के अंतर्गत आपका कौन कौन सा कार्य रहने वाला है, कौन कौन सा दायित्व रहने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें कि आप सभी का चयन किस प्रकार से होने वाला है, तो दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपके लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करते हैं तो आप सभी केवल इंटरव्यू के आधार पर ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट हो सकते हैं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के 100 अंक मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए अपने इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वैकेंसी हेतु आपके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस को पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी का फॉर्म सफलतापूर्वक ही भर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी के लिए pay.bharatiyapashupalan.com इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आने के पश्चात आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड दिखा देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आने के पश्चात आप सभी के लिए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप सभी के लिए यहां पर मांगी गई संपूर्ण जानकारियों को दर्ज करना है। यहां पर आने के पश्चात सिंपली आप सभी के लिए नीचे आई एम एग्री टर्म एंड कंडीशन वाले विकल्प पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए आगे एक और फॉर्म मिलेगा, आपके लिए उसको फिल कर देना है और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना है। तो इस प्रकार से आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए भारतीय पशुपालन विभाग भर्ती 2024 से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।